हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की फितकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MPPSC प्री क्रैश कोर्स में आज हम 13वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज से हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के जननायक कंप्लीट करेंगे। तो जननायक में पहला बख्तावर सिंह है। एक एक करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें कि हम आज बख्तावर सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाए। बख्तावर सिंह के बारे में सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ये अमझेरा के थे और मालवा का जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, आपसे पूछे मालवा से किसने किया था, तो राजा बख्तावर सिंह ने ही किया था। और वो जो मालवा के शासक थे, मालवा मतलब धार के शासक थे, अमझेरा जो है धार में है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, जो हमारा चैनल है उस पर 25% का भी डिस्काउंट चल रहा है। 18-19 आज निकल चुकी है, अब बस 3 दिन का ऑफ़र बचा है। 25% का डिस्काउंट है प्री और मेंस पैकेज पर। अगर आप प्री का लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट है, मेंस का लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट है, प्री मेंस दोनों लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट है। तो आप ये ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप सॉल्व लेना चाहते हैं तो 47 बुकलेट मिलेंगी। इसी प्रकार अगर प्री लेना चाहते हैं तो प्री की 12 बुकलेट मिलेंगी। कुछ इस तरह की बुकलेट आपको आएंगी और एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे ये पढ़ा रही हूँ, तो इन सभी की PDF आपको ग्रुप में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह के पहले में अब हम इनके बारे में पूरा पढ़ लें और इसके बाद हम इन्होंने जो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ करी थी वो पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और एक और बात फ्रेंड, जो मेंस का आपको पैकेज मिलेगा उसके साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे और प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा। ये पेड ग्रुप है, नोट्स के साथ ही मिलता है। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 क्रांति का नेता तो अमझेरा रियासत से किया, किन्होंने किया, अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह। आपसे क्वेश्चन आएगा 1857 क्रांति का नेता तो अमझेरा रियासत से किसने किया, बख्तावर सिंह ने। अमझेरा कहाँ पर है, धार में है। 20 अगस्त 1857 को अंग्रेज सैनिकों व राजा बख्तावर सिंह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें अंत में राजा गिरफ्तार हुआ। तो कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना, ये आपसे पूछेंगे कि जो बख्तावर अंग्रेजों सैनिकों और राजा बख्तावर सिंह के बीच संघर्ष कब हुआ था। तो 20 अगस्त याद रखिएगा, 1857 का तो आपको याद रहेगा, 20 अगस्त याद रखिएगा, 20 अगस्त 1857 को हुआ। और ये राजा गिरफ्तार जो किया गया था, ये अंग्रेज़ों ने छल से, ये अंग्रेजों के क्या थे, बहुत ज़्यादा छल कपट जानते थे। हम भारतीयों तो केवल सीधे सच्चे से हैं और ये अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा छली थे। वो छल से ही इन्होंने हमारे देश पर इतने दिनों शासन किया था। इनको फांसी कब दी गई थी, 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दी गई थी। ये इनकी मृत्यु जरूर याद रखिएगा, 10 फरवरी 1858 को। 10 फरवरी 1858 को इंदौर के महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिसर में एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको कहाँ फांसी दी गई थी, तो इंदौर का महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिसर में एक नीम के पेड़ पर इनको दी गई थी। कब दी गई थी, 10 फरवरी 1858 को। 20 अगस्त 1857 को इनके और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था। इसके बाद जब इन्हें फांसी दी गई थी, चूँकि अमझेरा के शासक थे, तो अमझेरा में इन शासक थे तो उन लोगों ने अधिकार कर लिया, तो इनका जो परिवार था तो वो रिंगनौत किले में चला गया था। ये रिंगनौत किला कहाँ है, ये अमझेरा का ही दूसरा किला है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि रिंगनौत किला कहाँ है, तो रिंगनौत किला अमझेरा का ही दूसरा किला है, जहाँ इनका परिवार आकर रहने लगा था। अमझेरा के आखिरी शासक कौन थे, तो अमझेरा के आखिरी शासक थे राव लक्ष्मण सिंह राठौर। याद रखिएगा, अमझेरा के आखिरी शासक कौन थे, तो राव लक्ष्मण सिंह राठौर थे। मध्य प्रदेश सरकार ने अमझेरा स्थित महाराणा जो बख्तावर सिंह के किले को राज्य संरक्षित इमारत घोषित किया है। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, कोई भी चार ऑप्शन दे सकते हैं इनमें से किसको राज्य संरक्षित इमारत घोषित किया है। तो महाराणा बख्तावर सिंह के किले को राज्य संरक्षित इमारत घोषित किया है। अब इनसे संबंधित हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। मालवा के ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, आपसे पूछेंगे मालवा का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था, तो बख्तावर सिंह थे। याद रखिएगा, मालवा का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है, बख्तावर सिंह। अच्छा, ये किस एको नाम से जाना जाता है, देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाला राजा। आपसे पूछेंगे देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाला राजा कौन है, तो बख्तावर सिंह है। लूट का सामान लेकर जब राजा अमझेरा पहुंचा, तो धार राजा जो थे अमझेरा, उनके मामा थे भीमराव भोसले ने उनका स्वागत किया। तो याद रखिएगा, लूट का सामान लेकर जब राजा अमझेरा पहुंचा था, तो भीमराव भोसले ने उनका स्वागत किया था। किसने किया था, भीमराव भोसले ने। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अब उनकी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखते हैं।
तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत की सुरम्य श्रृंखलाओं के बीच ये एक द्वापरकालीन ऐतिहासिक अजमेरा नगर बसा हुआ है। ये द्वापरकालीन है, द्वापर युग था जब, तब का ये काल है। 1856 में यहाँ के राजा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से खुला युद्ध किया था। सबसे पहले कब किया था? 1856 में। पर उनके आसपास के कुछ राजा अंग्रेजों से मिलकर चलने में ही अपनी भलाई समझते थे। अकेले बख्तावर सिंह से तो काम चलता नहीं था, तो वहाँ के सब शासकों को भी एक साथ होना था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो एक साथ मिलकर नहीं चलते थे। राजा ने इससे हताश ना होते हुए 3 जुलाई 1857 को भोपावर छावनी पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। इससे घबराकर क्या हुआ, कैप्टन हचिंसन अपने परिवार सहित भेष बदलकर कहाँ भाग गया? झाबुआ में भाग गया। क्रांतिकारियों ने उनका पीछा किया, पर झाबुआ के राजा ने उन्हें संरक्षण दे दिया। अब हमारे देश के ही राजा ही ऐसे थे, एक दूसरे में ही एकता नहीं थी, और अंग्रेजों को संरक्षण दे दिया, इससे उनकी जान बच गई। भोपावर से बख्तावर सिंह को पर्याप्त युद्ध सामग्री हाथ लगी। छावनी में आग लगाकर वे वापस लौट आए। उनकी वीरता की बात सुनकर धार के 400 युवक भी उनकी जो टोली थी उसमें शामिल हो गए। पर अगस्त 1857 में इंदौर के जो राजा थे तो कोजीराव होलकर के सहयोग से अंग्रेजों ने फिर भोपावर छावनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब फिर राजा ने होलकर ने इनकी सहायता कर दी, पहले अंग्रेजों की सहायता झाबुआ के राजा ने की थी। इसी से नाराज होकर बख्तावर सिंह ने 10 अक्टूबर 1857 को फिर से भोपावर पर हमला बोल दिया। इस बार राजगढ़ की सेना भी उनके साथ थी। 3 घंटे के सफल संघर्ष के बाद सफलता एक बार फिर राजा बख्तावर सिंह को ही मिली। युद्ध सामग्री को कब्जे में कर उन्होंने सैन्य छावनी के सभी भवन जो थे वो ध्वस्त कर दिए। ब्रिटिश सेना ने भोपावर छावनी के पास स्थित सरदारपुर में मोर्चा लगाया। ब्रिटिश सेना ने कहाँ लगाया? भोपापुर छावनी के पास एक सरदारपुर है। सरदारपुर आपने सुना होगा, जहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है। जब राजा की सेना वापस लौट रही थी तो ब्रिटिश तोपों ने उन पर गोला बरसाए, पर राजा ने अपने आप सैनिकों को एक और लगाकर सरदारपुर शहर में प्रवेश पा लिया। मतलब जो बख्तावर सिंह थे बहुत मजबूती से कुशलता से लड़ते रहे। इससे घबराकर ब्रिटिश फौज हथियार फेंक कर भाग गई। लूट का सामान लेकर जब राजा अजमेरा पहुंचे तो धार नरेश के मामा भीमराव भोसले ने उनका भव्य स्वागत किया। किसने किया? धार नरेश के बाबा भीमराव। इसी समय अंग्रेजों ने छल से उनको अपने कैद में कर लिया और उनको नीम के पेड़ के नीचे जो यशवंत राव किला है उसमें फांसी दे दी। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने बख्तावर सिंह के बारे में पढ़ा। बख्तावर सिंह बहुत मालवा के पहले क्रांतिकारी शासक थे, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली वीडियो में हम अगला जननायक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।